हे गाइस, कैसे हो आप सब। मैं हूं निखिल और आज के इस फोटोशॉप ट्यूटोरियल में हम लोग क्रिएट करेंगे 3 अलग अलग फोटो एडिटिंग इफेक्ट्स फोटोशॉप के अंदर। ये तीनों इफेक्ट्स अपने आप में यूनिक है बट दिखने में काफ़ी ज़्यादा अमेजिंग दिखता है और सबसे बेस्ट चीज़ इन्हें बनाना काफ़ी ज़्यादा ईजी है। अगर आप लोगों ने फोटोशॉप जस्ट अभी अभी सीखना स्टार्ट किया है तो भी आप लोग काफ़ी ईजिली इन्हें बना पाओगे। तो चलिए बिना कोई टाइम वेस्ट किए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। ऑलराइट गाइस, सो यहाँ पर है हम लोग फोटोशॉप के अंदर। मैंने ऑलरेडी एक न्यू डॉक्यूमेंट क्रिएट करके रखा हुआ है। जो साइज़ है इस डॉक्यूमेंट की वो है 2000 बाय 2000 पिक्सल्स। आप लोग जो भी साइज़ लेना चाहो वो ले सकते हो। और यहाँ पर मेरे पास एक बहुत ही अच्छा इमेज है जो मैंने unsplash.com से डाउनलोड किया है। ये एक ऐसी वेबसाइट है जहाँ से आप लोग फ्री में इमेजेस डाउनलोड कर सकते हो। और बाय द वे, मैंने एक वीडियो भी बनाया था जहाँ पे मैंने आपको 10 ऐसे वेबसाइट्स बताए हैं जहाँ से आप लोग फ्री में स्टॉक इमेजेस डाउनलोड कर सकते हो, तो आप ज़रूर उसे चेकआउट करना। लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारा फर्स्ट डिज़ाइन। अब इस डिज़ाइन को क्रिएट करने के लिए हमें सबसे पहले यहाँ जाना है न्यू एडजस्टमेंट लेयर में और ऐड करना है एक ग्रेडियंट मैप। ठीक है, फिर मैं इस पर क्लिक करूँगा और सबसे पहले तो मैं जो हमारे शैडोज़ का कलर है उसे सेट कर दूंगा एक अच्छा सा डार्क पर्पल कलर पे, कुछ इस तरीके से। ठीक है, हिट करेंगे ओके। और जो हाईलाइट का कलर है उसे मैं रखूंगा काइंड ऑफ एक डार्क पिंकिश टाइप, काफ़ी इंटेंस रखूंगा। ठीक है, तो ये काफ़ी एक अच्छा लुक दे रहा है हमें। फिर मुझे क्या करना है, सिंपली मैं इस इमेज का डुप्लीकेट बना लूँगा। तो उसके लिए मैं कंट्रोल जे प्रेस करूँगा, फिर इसे ऊपर मूव कर लूँगा। फिर हम टेक्स्ट टूल सिलेक्ट करेंगे और जो भी टेक्स्ट हमें टाइप करना है जो ये राइट साइड में होगा वो हम लोग टाइप कर सकते हैं। और जो फॉन्ट मैं यूज़ करूँगा इस पर्टिकुलर लुक के लिए वो होगा एब्रल फैट फेस। बहुत ही अमेजिंग फॉन्ट है। ठीक है, मैं क्लिक करूँगा इस तरीके से और टाइप करूँगा स्टाइल। कंट्रोल टी प्रेस करके मैं इसे काफ़ी ज़्यादा बड़ा कर लूँगा और रोटेट कर दूँगा इस तरीके से। ठीक है, फिर हम लोग इसे बड़ा करेंगे और जिस वे में हमें इसे प्लेस करना है उसे मैं इस तरीके से प्लेस कर दूँगा। इस टेक्स्ट को मुझे और ज़्यादा बड़ा करना है ताकि ये जो राइट साइड का भी एरिया है ये पूरी तरीके से कवर कर ले इस तरीके से। और यहाँ पर कुछ इस तरीके से रख दूँगा इसे। ठीक है, फिर मैं इसे नीचे ले लूँगा इस इमेज के और इस इमेज पर राइट क्लिक करूँगा और करूँगा इसे क्रिएट क्लिपिंग मास्क। हमें ये बहुत ही कूल सा एक लुक इस तरीके से मिल जाता है। और सबसे बेस्ट चीज़ इस डिज़ाइन की ये है कि आप लोग जैसे मैंने स्टाइल लिखा हुआ है आप लोग कुछ और टेक्स्ट लिख सकते हो, कोई और फॉन्ट भी ले सकते हो। फॉर एग्जांपल अगर मैं इस टेक्स्ट को सेलेक्ट करूँ, यहाँ पर जाऊँ और इंटेग्रल ले लेता हूँ, वन ऑफ माई फेवरेट फॉन्ट, सो हमें एक अलग सा एक लुक मिलता है। तो हम लोग इसे काफ़ी सारे अलग अलग वेज में यूज़ कर सकते हैं। और फिर फाइनली हमारा जो भी इस डिज़ाइन का डिटेल है हम लोग उसे ऐड कर देंगे। सो इसके लिए मैं लूँगा पॉपिंस, जो एक बहुत ही अच्छा अल्टरनेटिव फॉन्ट है हेलवेटिका का, क्योंकि हेलवेटिका एक पेड फॉन्ट है। अगर आप लोग को हेलवेटिका नहीं यूज़ करना है तो आप पॉपिंस यूज़ कर सकते हो, बहुत ही कूल दिखता है। तो मैं टाइप करूँगा वॉक इन स्टाइल। ये काइंड ऑफ एक मैगजीन कवर के लुक के लिए बहुत ही अच्छा इफेक्ट है, मुझे पर्सनली ऐसा लगता है। और यहाँ पर मैं इसे प्लेस कर दूंगा, ऑल्ट होल्ड करके इसे एक डुप्लीकेट बना लूंगा और इसे मैं कहूँगा फैशन। ठीक है, जो साइज़ है उसकी मैं कम कर दूंगा अराउंड 10 पिक्सल्स और जो स्पेसिंग है या कर्निंग है उसे मैं इस तरीके से बढ़ा दूंगा। और फाइनली इसका एक डुप्लीकेट बनाऊंगा ऑल्ट होल्ड करके इस तरीके से और यहाँ पर हम लोग लिखेंगे। आप लोग ऑब्वियसली जो भी आप लिखना चाहो वो लिख सकते हो। बेसिकली हम लोग ये टेक्स्ट इसलिए ऐड कर रहे हैं क्योंकि हमारा कंप्लीट जो कंपोजिशन है वो रेडी हो और जो कंप्लीट डिज़ाइन है वो काफ़ी बैलेंस्ड दिखे। तो मैं इसे यहाँ पर इस तरीके से प्लेस कर दूंगा और बूम, हमारा जो फर्स्ट डिज़ाइन है या फर्स्ट लुक जो है वो रेडी हो चुका है। अब यहाँ पर मुझे एक चीज़ करनी है जो इतनी नेसेसरी तो नहीं है बट मुझे पर्सनली पसंद है, क्योंकि क्या करता हूँ मैं इसमें जाके एक कर्व्स एडजस्टमेंट ऐड कर दूंगा और थोड़े से जो कलर्स हैं उनको थोड़ा सा मैं कॉन्ट्रास्ट जो है वो हल्का सा बढ़ा दूंगा और जो ब्लू टेंट है वो भी मैं हल्का सा बढ़ा दूंगा, जिससे काफ़ी अच्छा और प्रोफेशनल वाइब आता है कम्प्लीट डिज़ाइन में। आप लोग देख सकते हो बिफोर एंड आफ्टर काफ़ी ज़्यादा अच्छा दिख रहा है।
ठीक है, तो ये हो चुका है हमारा फर्स्ट डिज़ाइन रेडी। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं हमारे सेकंड डिज़ाइन पर। अब ये डिज़ाइन बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार है। अगेन जो साइज़ है इस कॉम्पोजिशन की या डॉक्यूमेंट की वो है 2000x2000 pixels। तो सबसे पहले जो लुक हमें डेवलप करना है वो बहुत ही अमेजिंग दिखता है। सो उसे डेवलप करने के लिए सबसे पहले तो मैं यहाँ पर जाऊँगा एक न्यू एडजस्टमेंट लेयर में और ऐड करूँगा एक ब्लैक एंड वाइट लुक, ठीक है। फिर मैं यहाँ पे जाऊँगा और एक न्यू लेयर क्रिएट करूँगा जो कि होगा हमारा इफेक्ट, इसे मैं नाम दे देता हूँ इफेक्ट, और राइट क्लिक करके इससे मैं कन्वर्ट टू स्मार्ट ऑब्जेक्ट कर लूँगा। फिर इसके अंदर जाऊँगा डबल क्लिक करके और जो भी इमेज मुझे यूज़ करना है इस डिज़ाइन के लिए, तो फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पर इस इमेज को यूज़ कर रहा हूँ, इसे मैं सेंटर में इस तरीके से प्लेस कर दूँगा। और फिर मैं जाऊँगा फिल्टर, डिस्टॉर्ट और पोलार कोऑर्डिनेट्स। सो इससे हमें ये बहुत ही एक कूल सा सर्कुलर लुक मिल जाता है, तुम लोग देख सकते हो। मैं हिट करूँगा ओके पर, ठीक है, बस इतना ही हमें करना है। फिर मैं फिर से यहाँ पर आऊँगा और हाँ, मेक श्योर करना है कि हम इसे कंट्रोल एस प्रेस करें जिससे ये सेव हो जाएगा, और फिर यहाँ पर हमें कुछ इस तरीके का एक लुक मिल जाता है। तो अभी मुझे यहाँ पर क्या करना है, सबसे पहले तो कंट्रोल टी प्रेस करूँगा, इसे मैं बड़ा कर लूँगा इस तरीके से, और फिर मुझे बस एक चीज़ करनी है, यहाँ पर जाना है और इसका ब्लेंडिंग मोड जो है वो सेट करूँगा मैं लाइट इन पर। अब मुझे इसे और थोड़ा बड़ा करने की ज़रूरत है, मैं इसे स्केल कर दूँगा और बेसिकली हमें ये बहुत ही कूल सा एक लुक मिल जाता है, ठीक है। अब मुझे क्या करना है, इस पर एक लेयर मास्क क्रिएट करना है। बी प्रेस करूँगा ब्रश टूल सिलेक्ट करने के लिए और मेक श्योर करूँगा कि जो फोरग्राउंड कलर है वो ब्लैक हो, और जहाँ पर भी मुझे ये इफेक्ट नहीं चाहिए वहाँ पर मैं क्लिक करके इस तरीके से इरेज कर दूंगा काफ़ी हल्के हाथों से इस तरीके से, जिससे हमें ये बहुत ही कूल सा एक लुक मिल जाता है। अगेन फिर मैं जाऊँगा एडजस्टमेंट लेयर्स में, एक कर्व्स ऐड करूँगा और इसे मैं थोड़ा सा जो कॉन्ट्रास्ट है कंप्लीट लुक का वो बढ़ा दूंगा और हल्का सा मैं ब्ल्यू टेंट को इन्हांस कर दूंगा, जिससे हमें बहुत ही कूल सा लुक मिल जाता है। अगेन मैं इसकी जो ओपेसिटी वो थोड़ी कम ज़्यादा कर सकता हूँ, काफ़ी इंटेंस लग रहा है अभी के लिए, तो इसे मैं रखता हूँ अराउंड 60, बहुत ही कूल लग रहा है। और सबसे बेस्ट चीज़ इस इफेक्ट की ये है कि अगर मैं यहाँ पर जाऊँ स्मार्ट ऑब्जेक्ट के अंदर, ठीक है, मैं इस इमेज को चेंज कर सकता हूँ। मुझे ज़रूरी नहीं कि मुझे यही इमेज यूज़ करना है, मुझे कोई और लुक चाहिए, तो मान लीजिए मैंने ये दूसरा इमेज जो है मेरे पास, मैंने ये ड्रैग कर लिया, इसको इस तरीके से प्लेस कर दूंगा, ठीक है। और फिर यहाँ से जो पोलार कोऑर्डिनेट से ऑल्ट होल्ड करके मैं इसका ड्रैग एंड ड्रॉप कर दूंगा यही इफेक्ट को इस सेकेंड इमेज पर भी, फिर कंट्रोल एस करके इसे सेव कर लूँगा और यहाँ पर जाऊँगा एंड बूम, हमें ये बहुत ही कूल सा लुक मिल जाता है। अगर मैं इसकी इंटेंसिटी बढ़ा दूँ, तुम लोग देख सकते हो कितना ज़्यादा कूल लग रहा है। स्पेशली अगर आप लोग कोई म्यूज़िक पोस्टर या म्यूज़िक वीडियो के लिए कोई पोस्टर बना रहे हो तो वहाँ पर ये इफेक्ट बहुत ही शानदार लगेगा मुझे लगता है। और अगेन जो भी आप इमेज यूज़ करोगे उसके हिसाब से वो इफेक्ट जो है वो चेंज होगा, तो आप लोग चाहो तो ये लुक यूज़ कर सकते हो या ये इमेज यूज़ कर सकते हो और आपको बूम वो लुक मिल जाएगा। और फाइनली इसे कंप्लीट करने के लिए मैं कुछ टेक्स्ट की डिटेल्स यहाँ पर ऐड करूँगा, तो मैं सिंपली यहाँ पर जाकर जो फॉन्ट है उसे कॉपी कर लूँगा, ये टेक्स्ट जो है वो कॉपी कर लूँगा, कंट्रोल वी करके पेस्ट कर दूँगा और जो भी इस डिज़ाइन का टाइटल है, सो लेट्स टाइप इन Epic shit, और इसे मैं थोड़ा सा बड़ा कर लूंगा कुछ इस तरीके से, और जो बेसिकली जो कंप्लीट कॉम्पोजिशन है उसे मैं रेडी करूंगा, यहाँ पर लेके आऊंगा इसे और इसे मैं सेट कर दूंगा काइंड ऑफ मीडियम पे, और जो साइज है उसे मैं 12 पे सेट कर दूंगा। बूम, हमारा टेक्स्ट जो है वो रेडी हो चुका है, इसे मैं यहाँ पर प्लेस कर दूंगा और बेसिकली हमारा कंप्लीट डिज़ाइन जो है या कॉम्पोजिशन जो है वो रेडी है। और एक चीज़ जो मुझे लग रही है मैं कर सकता हूँ वो है इस चीज़ की मैं वाइब्रेंस जो है वो थोड़ी सी बढ़ा दूंगा ताकि थोड़ा सा इंटेंस दिखे, एंड बूम, हमारा जो डिज़ाइन है वो या फोटो इफेक्ट है वो रेडी हो चुका है। काफ़ी सिंपल और दिखने में काफ़ी ज़्यादा कूल लगता है। तो चलिए अब फाइनली आगे बढ़ते हैं हमारे थर्ड डिज़ाइन की ओर। सो यहाँ पर एक बहुत ही सिंपल टेक्निक हम लोग यूज़ करेंगे ब्लर और फोकस की। तो सिंपली मैं इस इमेज को सेलेक्ट करूँगा, जाऊँगा फिल्टर में, ब्लर, गॉशियन ब्लर, इसे हम लोग रखेंगे अराउंड 30 पिक्सल्स, हिट करेंगे ओके। फिर मैं सेलेक्ट करूँगा स्मार्ट फिल्टर, मेक श्योर कि ये जो स्क्रीन है वो सिलेक्टेड हो इस तरीके से,
और जो हमारा फोरग्राउंड कलर है वो ब्लैक पे हो जिससे वो इरेज होगा। तो मैं ब्रश टूल सिलेक्ट करूंगा बी प्रेस करके, ताकि हम लोग जब भी इस तरीके से ब्रश घुमाएं तो ये इरेज हो, जो कि गाजियन ब्लर है। और सिंपली से मैं थोड़ा सा हार्ड कर लेता हूँ इस तरीके से, और इस तरीके से मैं यहाँ पर घुमा दूंगा ब्रश। तो अब जो ये बेसिकली इतना जो एरिया है वो फोकस में है और ये जो है वो ब्लर है। अब मैं क्या करूँगा, हमारा जो टेक्स्ट टूल है वो सिलेक्ट करूँगा, साइज़ मैं बड़ी कर देता हूँ, और मैं यहाँ पर जो भी हमें टेक्स्ट टाइप करना है वो मैं टाइप कर सकता हूँ। मैं टाइप कर रहा हूँ फोकस, ठीक है। और जो फॉन्ट मैं लूँगा वो होगा हेडिंग प्रो, जो कि एक फ्री फॉन्ट है। तो मैं सेट कर देता हूँ इसे इस तरीके से, और इसे मैं कंट्रोल टी प्रेस करके थोड़ा बड़ा कर लूँगा, और जो स्पेसिंग है उसे -20 कर लूँगा, ठीक है। इसे सेंटर में हम लोग प्लेस कर देंगे इस तरीके से। और फिर मुझे क्या करना है, ये सेम गाजियन ब्लर जो स्मार्ट फिल्टर है उसे इस पे भी अप्लाई करना है। तो उससे पहले मैं इसे इस टेक्स्ट को सिलेक्ट करूँगा, राइट क्लिक करके इसे कन्वर्ट टू स्मार्ट ऑब्जेक्ट करूँगा, क्योंकि जो फिल्टर्स है, जो स्मार्ट फिल्टर्स है, वो सिर्फ स्मार्ट ऑब्जेक्ट पे ही काम करते हैं या तो रास्टर ऑब्जेक्ट्स पे। तो इसलिए मैं इसे सिलेक्ट करूँगा, फिर गाजियन ब्लर को ऑल्ट होल्ड करके इसका एक इफेक्ट मैं फोकस पे, जो फोकस टेक्स्ट है उस पर भी ऐड कर दूंगा, ठीक है। और फिर सेम वे में मैं इसको इस स्मार्ट ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करूंगा, बी प्रेस करूंगा, थोड़ा छोटा कर लेंगे, और इससे इस तरीके से मैं इरेज कर सकता हूँ। अब यहाँ पर मैं थोड़ा सा चेंजेस करूंगा इस तरीके से, इस टेक्स्ट को मैं यहाँ पर डीफोकस करूंगा और यहाँ पर फोकस करूंगा। बेसिकली ये डीफोकस तो नहीं करता, बट यू नो काइंड ऑफ एक बहुत ही मिरर्ड सी लुक देता है, जो बहुत ही दिखने में अच्छी दिखती है। बूम, बहुत ही सिंपल स्टेप्स यूज़ करके हमारा जो कंप्लीट डिज़ाइन है वो रेडी हो चुका है। ये टेक्निक्स जो है ये काफ़ी सिंपल है, बट इसे अगर हम लोग सही वे में यूज़ करें तो वो काफ़ी एडवांस लुक दे सकती है। सो दैट इज़ अ रैप गाइस, आई होप आप लोगों को आज का ये ट्यूटोरियल अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा होगा तो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर करना, और कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर बताना कि कौन सा इफेक्ट आपको सबसे अच्छा लगा। और आप लोग मुझे इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हो, मैंने इंस्टाग्राम जो लिंक आईडीज़ है मेरे वो डिस्क्रिप्शन में दे दिए है, dope.motions और निखिल पवार। और इसी के साथ मैं आप लोगों से मिलूंगा अगली वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड ऑलवेज स्टे रॉ, स्टे क्रिएटिव, पीस आउट।